साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे आपके बीच लिग्नोकेल जेल आईपी 2% वेट बाय वॉल्यूम। साथियों ये हमारे पास लिग्नोकेल जेल है, ये गवर्नमेंट सप्लाई का जो है फॉर एक्सटर्नल यूज क्रीम है, 30 ग्राम का क्रीम है। ये सरकारी अस्पताल में सभी जगह आराम से मिल जाएगा और इसकी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने ब्रांड से बनाती हैं, सभी केमिस्ट पे अवेलेबल होता है। ब्रांड का नेम अलग होता है लेकिन साथियों जो इसमें केमिकल मिला वो सेम रहता है। तो साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, उपयोग के बारे में बात करेंगे, यूजेस की मतलब की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट एंड ब्रांड एंड हाउ टू यूज इसके बारे में बात करेंगे और ब्रांड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे लिग्नोकाइन जेल आईपी 2% वेट बाय वॉल्यूम 30 ग्राम जो हमारे पास है। लिग्नोकाइल एनास्थेटिक जेल है। साथियों क्या होता है, यूज ऐसे लुब्रिकेंट, ये एनास्थेटिक जेल है और ये लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है फॉर द इंसर्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि शरीर के अंदर जो है जैसे कि बवासीर हो गई है या मतलब कैथेटर डालना है बवासीर में, मतलब जैसे कोई ऑपरेशन होता है या पोटी मतलब हो और पेन ना हो तो उसमें जो है बवासीर में लगाने के लिए भी उपयोग में किया जाता है उपयोग, हालांकि हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो इंसर्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेडिकल प्रोसीजर सच एज कैथेटर, जैसे कि पेशाब होती है बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में, सभी में, तो कोई ऑपरेशन होता है कुछ भी हो तो कैथेटर लगाया जाता है। एक प्लास्टिक की एक तरह से मतलब प्रोडक्ट होता है, पाइप ऐसी होती है पेशाब के लिए, उसमें थैली लगी होती है, उसको जो है अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन करते हैं, तो उसमें ये जो है लिग्नोकाइन जेल लगा के इंसर्शन करते हैं। कैथेटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ पेन इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा एंड ब्लेडर, और ये क्या होता है यूरिथ्रा और ब्लेडर में पेन होता है उसकी वजह से भी लगाना पड़ता है कभी कभी कैथेटर, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों लिग्नोकाइन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन नो से लोकल एनास्थेटिक्स, ये क्या होता है लोकल एनास्थेटिक, एक्सटर्नल यूज किया जा सकता है, तो एनास्थेटिक जैसे बेहोशी नहीं की जा सकती है, उसी पार्ट को ये क्या होता है एकदम से नंबनेस मतलब सुन्न कर देता है। तो कहने मतलब ये लोकल एनास्थेटिक है और ये साथियों वर्क कैसे करता है, इट वर्क्स बाई टेम्परेरी ब्लॉकिंग द पाथवे ऑफ पेन सिग्नल्स, जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेरी ब्लॉकिंग द पाथवे ऑफ पेन सिग्नल होते हैं और एलॉन्ग विद नर्व्स उनको जो है क्या करता है ये ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे सेंसेशन मतलब वहाँ पे दर्द भी नहीं होता और सेंसेशन नहीं होता है। तो ये इसमें उपयोग किया जाता है कि जैसे कोई शरीर के अंदर कैथेटर लगाया जाता है, जैसे प्लास्टिक की पाइप है जो यूरिन के जरिए बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, तो उसमें लोकल उस पाइप के चारों तरफ लिग्नोकाइन को लगा देते हैं और उससे क्या होता है कि पता नहीं चलता है। या किसी को शरीर किसी पर्सन को बवासीर हो जाती है और उसको लैट्रिन पोटी करने जाना है और वो बहुत पेन होता है, तो उसके जो है क्या होता है कि 5-10 मिनट पहले इसको जो है वो लगा लेते हैं और उससे क्या होता है उनको दर्द नहीं होता है। या जैसे बहुत चोट कोई लग गई है और बहुत पेन हो रहा है, पर आपको ये गौर ध्यान देना है कि वहाँ पे घाव ना हो, तो आप दवा तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप लिग्नोकेन वहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे जो है सुन्न हो जाएगा और जो है क्या होगा कि पता नहीं चलेगा। साथियों ये यूजेस की बात कर रहे हैं, कैथेटर में इस्तेमाल करते हैं जब इंसर्शन करते हैं, दूसरा बवासीर में इस्तेमाल करते हैं, एक तो बवासीर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो चारों तरफ इसको अप्लाई करके और ये पाइप ऐसी अंदर इंसर्ट करके उसके अंदर जो मस्से होते हैं ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं, और एक कहीं पे अगर चोट किसी तरह की लग गई है और वो वहाँ पे दर्द जो है नहीं जा रहा है और दवा भी लगा रहे हैं सब चल रहा है, तो वहाँ पे इसको लोकल अप्लाई करके वहाँ पे जो है आराम मिल जाएगा। जैसे दाद हो जाता है या हर्पिस हो जाता है उसको ठीक होने के बाद वहाँ स्किन में हमेशा जलन बनी रहती है, वहाँ पे भी इसको लोकल अप्लाई करके लिग्नोकेन अप्लाई करके ठीक किया जा सकता है हर्पिस का जैसे दर्द है उसके बाद, और ये बर्न के बाद जैसे बर्न है, बर्न ठीक हो गया उसके बाद जैसे क्या होता है धूप में गए हैं तो वहाँ जलन होने लगती है, वैसे स्किन जलन होती है, तो इसको जो है क्या कहते हैं लगाने से दर्द वहाँ पे नहीं होता और सुन्न कर देता है। साथियों एक जांच होती है एंडोस्कोपी, जो कि ऊपर से मुंह के अंदर से पाइप पेट के अंदर डाली जाती है और कंप्यूटर से जो पाइप डाली जाती है उसके आसपास ये लिग्नोकेन लगा देते हैं ताकि वो नंबनेस सुन्न अंदर कर देती है, जहाँ जहाँ वो जाती है आगे आगे बॉडी में जो है सुन्नपन आ जाता है और उससे क्या होता है दर्द नहीं होता है और आदमी को पता नहीं चलता है। फिर उससे कंप्यूटर पे उसमें देखते हैं कि पेट के अंदर या जहाँ भी उसकी इंडोस्कोपी की जाती है क्या प्रॉब्लम है और उसको जो है जांच की जाती है। उसी तरह से ये
मेल परपन को जो है पेनिस के अंदर से जो है घुसाया जाता है, इंडोस्कोपी ही कहते हैं, तो उसमें भी उस पाइप के चारों तरफ लगा दिया जाता है लिग्नोकेन को और उससे उसकी जांच की जाती है। तो ये साथियों इसके यूजेस थे। एक हम छुपा हुआ हिडन मतलब यूजेस इसको बताएंगे। जब सेक्स करने के लिए किसी को टाइम पीरियड बढ़ाना होता है तो क्या होता है कि लिग्नोकेन का इस्तेमाल अगर करेगा, पेनिस के ऊपर जो है लगा देगा, तो उससे क्या होगा कि टाइम उसका बढ़ जाता है और वो ज़्यादा देर तक सेक्स कर सकता है। बहुत सी दवा हैं जिनमें ये मिला होता है सेक्स की और वो इसी पर्पज़ से होता है, पर इसका ये हिडन मतलब पर्टिकुलर यूज नहीं है, लेकिन लोग इसका उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे। इसमें बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि स्किन में रैसेस आ जाते हैं कभी कभी, जैसे जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे रेडनेस हो सकती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, या फिर विजन कभी कभी ब्लरीड हो जाता है इसके उपयोग से, और मतलब सांस प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के हल्के फुल्के इसके जो है साइड इफेक्ट हैं। साथियों हाउ टू यूज इसका इस्तेमाल हम बताएंगे 5 मिनट पहले, जैसे कि बवासीर में इस्तेमाल किया जाता है, पोटी करने से 5 मिनट पहले इसको जो है रिंग में चारों तरफ लगा लेंगे ताकि उससे पोटी आसानी से हो जाए और पेन ना हो। और क्या है कि ये इसका जो कार्य है 45 से 90 मतलब मिनट में जो है इसका जो है मतलब जेल का वर्क ये करती है, मतलब उसका असर रहता है। साथियों साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे कि इंडोस्कोपी की जांच करते हैं, जो पाइप होती है उसके आसपास लगा देते हैं, और उसी तरह से कैथेटर को अंदर इंसर्शन करते हैं तो उसके आसपास लगा देते हैं ताकि सुन इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। वार्निंग की साथियों बात करेंगे तो प्रेग्नेंट वुमेंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बगैर डॉक्टर की सलाह से। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसको बच्चों से दूर रखें, जैसे उनकी आँख वगैरह में लग गया तो बहुत जलन हो सकती है, तो इस तरह से दिक्कत आ सकती है। साथियों ब्रांड की बात करेंगे लिग्नोकेन की, तो जैसे लॉक्स LOX लॉक्स जो है प्रक्टो फार्मास्यूटिकल बनाती है। ये जो है साथियों एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत सी कंपनी इसको कॉम्बिनेशन के साथ जो है मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे बेक्लोमेथासिन के साथ है, लिग्नोकाइन है, और बहुत चीज़ें तो फंगल और बैक्टीरियल भी क्रीम में आपको मिलेगा इसका कॉम्बिनेशन। अदरवाइज प्लेन अगर लेना है तो उसके लिए लॉक्स जो है प्रक्टो फार्मास्यूटिकल्स है, एंड जाइलोकेन 2% एस्ट्राजेनिका फार्मास्यूटिकल बनाती है, एंड लिग्नो कॉर्ड कैडिला फार्मास्यूटिकल बनाती है, एंड एनोवेट जो है US विटामिन फार्मास्यूटिकल बनाती है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्बिनेशन के साथ ये आता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें कमेंट करें, हम आपका जरूर आंसर देंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।